दोस्तों, बस से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यात्री ऐप से टिकट की बुकिंग कर ये बसों में दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून तक का सफर कर सकते हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत सोमवार से ISBT कश्मीरी गेट से की जा चुकी है। प्रधान सचिव सह परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा बसों और ग्रीन सेल मोबिलिटी के CEO देवेंद्र चावला ने बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार की तरफ से अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत करने के लिए ये नीति तैयार की गई है और इसके तहत 200 किलोमीटर के दायरे में CNG बसें चलाई जाएंगी। इससे आगे की दूरी के लिए ई बस या BS6 वाहनों को भी चलने की इजाजत दी जा रही है। इस पहल के तहत दिल्ली से पहली बार दूसरे शहरों के लिए प्रीमियम ई बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 50 ई बसें चलाई जाएगी। इसके बाद शिमला, अमृतसर, लखनऊ सहित 500 किलोमीटर के दायरे में स्थित दूसरे शहरों के लिए भी ई बसें चलाई जाएगी। इन बसों के लिए टिकटों की बुकिंग ऐप, ट्रेवल एजेंट सहित पेटीएम और दूसरे ऐप से भी हो सकेगी। दोस्तों, DTC की पुरानी लो फ्लोर बसों में आग लगने की घटनाओं से यात्रियों की चिंताएं भी बढ़ने लगी है। पिछले करीब 3 महीने के दौरान बसों में आग लगने की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। गर्मियों के दौरान तापमान बढ़ने के साथ घटनाओं में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए पुरानी बसों को चरणों से हटाया जा रहा है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे पुरानी बसों की मियाद खत्म हो रही है, नई ई बसों के शामिल होने के बाद उन्हें हटाया जा रहा है। इस साल के अंत तक करीब 1500 ई बसें परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।